अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज सुबह सुबह जो है हम एक ऐसा काम करने निकले हैं जो हम करते ही रहते हैं, और हमें पता चला कि हमारे जो कॉकटेल वाला जो पिंजरा है उसके अंदर छोटे वाले जो चूहे होते हैं वो आ गए। तो उससे पहले कि चूहे हमारा नुकसान करें, हम चाह रहे हैं हम उनका नुकसान कर दें। और आज हम ऑपरेशन करने वाले हैं, और ऑपरेशन क्या है कि चूहे के यहाँ पे जो बिल है उनको तबाह करेंगे, चूहों को पकड़ेंगे, और जो चूहे पकड़ेंगे उनको हम खिलाएंगे सांपों से। तो मेरी पूरी टीम जो है वो पीछे मौजूद है और मेरे सारे सिपाही। तो तैयार हो साथियों? तैयार है भाई, तो शुरू हो जाओ। चुआ 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 वो भागा वो भागा वो भागा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा इसके पीछे। जवान की शक्ल देखो, चूहे को देखो। एक और। हमारी आर्मी है, उनके जो कमांडर साहब हैं ये बाहर बैठे हुए हैं और ये अपने बेस कैंप से निगरानी रखे हुए हैं, और जंग का जो है वो सारे मामलात को ये देख रहे हैं, और ये पूरे जड़ से जो फाड़ दिया। एक और निकला, मेरे पैर में आ गया था। एक दूसरे को डंडा नहीं मार देना भाई। एक और पकड़ा, इनका कोई बड़ा है घर का, वो पकड़ा गया है। वडेरा हो रहा है, लेकिन इनके लिए बड़ा ये देखें, माशाल्लाह हमारे तोते भी जो है। एक और ये फुरकान भाई ने मारा है भाई, फुरकान भाई। ये हमने चूहे पकड़ लिए हैं और बहुत सारे चूहे इसके अंदर है, थोड़ी देर में हम खिलाना शुरू करेंगे। और एक बोनस हमारे पास आया है, छोटे तो पकड़े, एक पिंजरा हमने लगाया हुआ था, उसके अंदर रोटी लगाई हुई थी, उसके अंदर एक बड़ा चूहा भी आ गया है। तो बड़ा चूहा बड़े सांप को खिलाएंगे, छोटे चूहे जो है वो छोटों को खिलाएंगे। यार चूहे ना हमने कुछ ज़्यादा ही पकड़ लिए, कोई 8-9 के करीब चूहे पकड़ लिए, ऐसे 2-3 हैं जो मरने वाले हैं, मर जाएंगे तो उनको हम अभी खिला देंगे, लेकिन बाकी जो चूहे ना हमने सोचा हम उनको वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो जिंदा चूहे पकड़े उनको पिंजरों में तो नहीं रख सकते, तो हमने एक पुराना टैंक ढूंढा खाली फिश एक्वेरियम, और फिश एक्वेरियम के अंदर हम क्या करेंगे, उन चूहों के लिए घर बना देंगे, और वो जो बाहर से जंगली चूहे हमने पकड़े उनको हम इस टैंक के अंदर जगह दे देंगे ताकि वो इसके अंदर रहें और ब्रीड करें। इसके बाद क्या होगा, हमें जब जब ज़रूरत पड़ेगी अपने सांपों को हमें खिलाना होगा, तो हम उन चूहों को जो एज आ फीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ये ज़ाया भी नहीं होंगे और जो है हमारे सांप जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे। तो एक पुराना सा टैंक हमें मिल गया है, उसके अंदर थोड़ा सा क्रैक था, तो सिलिकॉन लगा रहे हैं, इसको पैक कर रहे हैं, इसके बाद हम चूहों को इसके अंदर डाल देंगे। खवातीन और हजरात, हमने जो चूहे पकड़े थे उनको हमने इस टैंक के अंदर डाल दिया है। ये चार जो है ये मर गए थे, ज़ाहिर उसको पैरों से दबा दिया था इन ज़ालिमों ने, बाकी हमने ये ज़िंदा पकड़ लिए। हम क्या कर रहे हैं अब, इनका यहाँ पे परमानेंट घर बना रहे हैं। ये काले हमने चूहे पकड़े और उन्हें बन डाले हैं, और ये बन इन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये देखें भाई, अब इनका ख्याल रखेंगे हम, हर जानवर देखें ज़ाया नहीं करना चाहिए, अभी हमारे काम आएंगे फीडिंग के। बन डाल दिए इनको, अब इसको फिलहाल रिजवान कुछ ऐसी चीज़ रख देते हैं जिसके अंदर ये छुप के जो है ना बच्चे वगैरह भी दे सके। पानी का एक छोटा सा बर्तन भी रख दूँ उनको, लेकिन सेंटर में रखना, ऐसा नहीं चढ़ के बाहर आ जाए। जी हम कुछ चीज़ें ले आए, कुछ पाइप के टुकड़े हैं, और दिखाना ये रिजवान ये क्या है। ये हमें कुछ पुराने सामान में से कुछ चीज़ें मिली है, इसके अंदर इनके रहने की जगह बन जाएगी, जाने का रास्ता है। उसको बिल्कुल सेंटर में रखना है रिजवान, पाइप वगैरह को ऐसे सेटिंग से कि ये बाहर नहीं आ सके, और इनको कुछ हाइडिंग प्लेसेस भी इनकी मिल जाए। बाकी जो मरे हुए चूहे हैं उनको हम अभी निकाल देंगे, पाइप को भी बीच में कर दो। हाँ पाइप को भी बीच, मरे हुए चूहे निकाल दिए बस, ठीक है उनको अभी हम फीड कराते हैं। हाँ बस, और ये जो है ये भाई ये कुछ इस तरह की सेटिंग कर दी, अब इसको ढकना रख देते हैं। ये जी हमारे चूहों का घर हो गया रेडी, और अब बारी है वो जो मरे हुए चूहे थे उनको जरा हम फीड कराते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो। इससे पहले कि उनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा ठंडी हो जाए, फिर पाइथन खाएंगे नहीं, तो उनको भी वो फ्रेश फ्रेश है तो वो जल्दी से उनको हम लंच करा देते हैं। ओके, सो हमारा ये एक रेटिकुलेटेड पाइथन है, इसके बारे में मैंने आपको पहले कभी भी नहीं दिखाया होगा ये, लेकिन इसके बहुत जल्द व्लॉग बनाऊंगा। अभी बहुत छोटा है तो और एग्रेसिव भी, तो मैं चाहता हूँ कि ये पहले फ्रेंडली। अब जो ये एक चूहा आ गया हमारे पास, और इस चूहे को जो हम इसको खिलाएंगे, ये देखें जी इसने ये पकड़ लिया, और ये पूरा चूहे को जो है वो रोल अप करके बैठ गया, और अब ये इसको आराम से खा लेगा, निगल लेगा। तो ये एक चूहा तो गया, अब बाकी बॉल पाइथन्स को कराते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से माशाल्लाह बॉल पाइथन्स अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं साइज़ में, और माशाल्लाह ये पूरा जोड़ा है,
ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से इनके कलर्स हैं, इम्पोर्टेड हैं ये। तो एक पाइथन को रखते हैं इसके अंदर और एक को रखते हैं इसके अंदर। अब इन दोनों को हम फीड कराने वाले हैं, तो पहले तो थोड़ी देर हम इसको बंद करके रख देंगे ताकि रिलैक्स होकर बैठ जाएं, इसके बाद हम इनको माउस देंगे। पहले इसको बंद करके रख देते हैं ताकि सेट हो जाए। अच्छा, फीडिंग जब भी सांपों को कराए तो अलग अलग फीडिंग हमेशा स्नैक्स को अलग अलग करानी चाहिए। अगर आप दो तीन स्नैक्स एक साथ रखें और उनको आप कोई चीज़ दे देंगे तो वो अक्सर ऐसा होता है कि एक शिकार के ऊपर दो स्नैक जो है वो हमला कर देते हैं और वो अपनी उस वक्त इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अपने हवानियत पे होता है ना कि वो बिल्कुल उसको जकड़ लेते हैं, लपेट लेते हैं और उसके अंदर हो सकता है कि दूसरा जो आपका छोटा वाला स्नैक है वो दब जाए, उसको भी वो जकड़ ले या उसको वो बाइट कर ले, तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो बेहतर है कि सबको अलग अलग बॉक्सेस में डाल के फिर फीड कराएं, जैसे हमने ये अलग अलग कर दिया। बारी है हमारे बॉल पाइथन्स की, तो बॉल पाइथन्स को हम कराएंगे फीड, देखते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स करते हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं, देखते हैं कि ये खाते हैं नहीं खाते हैं। ओह ज़बरदस्त, ये ले गया भाई।